नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा नवमी के लिए यानी कि नाइन्थ क्लास के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर लेकर मैं आपकी अध्यापिका आशिमा महाजन आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। कक्षा नवमी के बच्चों का यानी कि नाइन्थ क्लास के बच्चों का कितना रिवीजन हो गया है, इस पेपर के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं आपने कितना पढ़ लिया है, और कितना नहीं पढ़ा है तो आप वो सारे क्वेश्चंस इस सैंपल पेपर में देखेंगे। इस सैंपल पेपर के थ्रू आपका सिर्फ रिवीजन करवाया जा रहा है, ये मत सोचिएगा कि एग्जाम पेपर में यही पेपर उतर के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80, और 3 घंटे का टाइम है आपके पास। जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखिए। ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर करना सबसे जरूरी होता है, जो कि हमारे बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। उन्हें लगता है पहले ये शुरू कर लें, पहले वो शुरू कर लें, ऐसे ना करिएगा। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर में पेपर लिखना, ये सबसे जरूरी पॉइंट है आपका। ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर कीजिए, ब्लैक पेन यूज कीजिए, ब्लू पेन यूज कीजिए। इसके अलावा हर क्वेश्चन के बाद लाइन ड्रॉ करने के लिए पेंसिल यूज कीजिए। अगर कहीं आपको ड्राइंग भी करनी है तो शेडिंग के लिए पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए। कलर्स का इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित है, बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए, कलर्स का बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा स्टूडेंट्स। ब्लैक पेन और ब्लू पेन, इन दो पेन का अच्छे से यूज करके अपना क्वेश्चन पेपर सही तरीके से शुरू कीजिएगा। सबसे पहले खंड क आएगा, अपठित गद्यांश। इसमें आप क्या करेंगे, खंड क लिखेंगे, अपठित गद्यांश हेडिंग डालेंगे। उसके बाद पहला क्वेश्चन जो दिया है उस गद्यांश को आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे आप। क्वेश्चन कितने नंबर का है वो ब्रैकेट में दे दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका आंसर जो है वो सही होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्लास 9, ये नहीं 1 वर्ड में आंसर लिख के आ गए वहां पर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 2 लाइन जरूर लिखिएगा। आगे आ जाए खंड ख व्याकरण, तो व्याकरण में आपको ऑप्शंस दे रखी हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है खंड ख व्याकरण का, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखी हैं। तो आपको क्या करना है, एबीसीडी की जगह वहां पे क ख ग भी लिखा होगा, तो आपका जो भी आंसर होगा, जैसे हीन प्रत्ययुक्त शब्द है, यानी कि इसमें आपको सही आंसर बताना है क्या है। तो सही आंसर बताने के लिए आपको खंड क ख ग, मतलब खंड ख का बुद्धिहीन जैसे वर्ड है उसमें आप क्या करेंगे, बुद्धिहीन शब्द में बुद्धि मूल शब्द हो गया, हीन प्रत्यय हो गया, तो आपको जो सही ऑप्शन है उसका चुनाव करना है। बुद्धिहीन वर्ड का चुनाव करके आपने डी ऑप्शन लिखा, सामने बुद्धिहीन वर्ड जरूर लिखना है, तब आपका एमसीक्यू कंप्लीट होता है। ये नहीं कि डी ऑप्शन लिखा है, मैडम गेस कर लेगी अपने आप ही। फिर 3rd क्वेश्चन किया, 4th क्वेश्चन किया, 5th किया, 6th किया, 7 किया, देन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। यहां तक सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने डिस्कस कर दिया, 3 है मानसिकता शब्द में मूल शब्द अलग करना है, प्रत्यय अलग करना है। बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से ही अपने विकल्प का चुनाव कीजिएगा। 4th क्वेश्चन है व्याकरण और अप्रत्यक्ष शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही ऑप्शन लग रहा है आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। वैसे तो इस वीडियो का जो सैंपल पेपर है उसका सोल्यूशन इसी के नीचे दे दिया गया है, फिर भी पहले खुद कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर खुद सॉल्व करें, आपकी कितनी तैयारी है, उसके बाद सोल्यूशन में अपने आंसर देखिएगा जाके। 5th क्वेश्चन है परिप्रश्न में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। 6th क्वेश्चन है नीलगाय शब्द का समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है आपको। 7th क्वेश्चन है घन के समान शाम है जो, अर्थात श्री कृष्ण, समास विग्रह के लिए उचित समस्त पद और समास का नाम दिए गए विकल्पों में से चुनिए। 4 ऑप्शन दे रखी हैं, इन 4ों में से जो सही ऑप्शन आपको लग रहा है उसका चुनाव कीजिए और आंसर जरूर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बंधन से मुक्त समास विग्रह के लिए उचित समस्त पद और समास का नाम दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे है, यथाशक्ति का समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन होता है उसे क्या कहते हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं, इच्छावाचक कहते हैं, आज्ञावाचक कहते हैं, या विधानवाचक कहते हैं, वो भी आपको बताना है।
11th क्वेश्चन में कर्तव्य का पालन करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ होता है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पता ही है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कितने होते हैं, 8 तरह के। उस साधु को संबल लेने का हक क्यों दिया गया, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। फिर भी चार ऑप्शन आपको दे दिए, आप सिलेक्ट कीजिएगा जो आपको सही लग रही है। 13 क्वेश्चन, जिस वाक्य में घृणा या तिरस्कार का भाव हो उसे क्या कहते हैं, चार ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इस पंक्ति में आपको कौन सा अलंकार लग रहा है, उदो जो योग योग हम नाही, चार ऑप्शन दे रखी हैं। इन चार ऑप्शन में से जो भी सही लग रहा है वो आपका सही उत्तर है। 15 क्वेश्चन, इसमें भी आपको अलंकार बताना है, 16 में भी अलंकार बताना है, 17 में भी अलंकार बताना है। आगे आ जाइए, खंड ग पाठ्य पुस्तक, यानी कि जो भी पाठ आपने पढ़े हैं अपने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, उसमें से उन पाठों के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और बकायदा एक गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश को ध्यान से पढ़ के प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, और प्रश्नों के उत्तर प्लीज 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 वन वर्ड में मत दीजिएगा। 9th स्टैंडर्ड है, 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि आपका आंसर कितना होना चाहिए। 19 क्वेश्चन में, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर आपको देने हैं, यानी कि आपको 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा दिया है, तो आपको जो अच्छे से आता होगा वही चार क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, अदरवाइज अपना पांचवा क्वेश्चन गलती से भी वो अटेम्प्ट मत कर लीजिएगा जिसको काट के आप दोबारा लिखना शुरू करते हैं। चार करने हैं, चार वही सिलेक्ट कीजिएगा जो आपको अच्छे से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसी तरह काव्यांश करना है आपको, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर देने हैं, यहां भी 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और चार करने हैं आपको, जो अच्छे से आता होगा उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा, सोल्यूशन नीचे दे रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 22, किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए, कृतिका बुक में से अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं, तो यहाँ क्वेश्चन भी आपको 3 ही दिए हैं, 1, 2, 3। बच्चे काम पे जा रहे हैं, कविता में कवि ने समाज के लिए क्या संदेश दिया है, दादी ने चोर का जीवन किस प्रकार बदल दिया, मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लिखिए, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, खंड ग लेखन कौशल दिया है। 23, विषय पर अनुच्छेद आपको लिखना है, 3 ऑप्शन दे रखी हैं, जो अच्छे से अनुच्छेद आता होगा उसी अनुच्छेद को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, संकेत बिंदु आपको दिए हैं, उन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपना अनुच्छेद कंप्लीट कीजिएगा, अनुच्छेद को गलती से भी अलग अलग पैराग्राफ में मत लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विदेश में रहने वाले मित्र को ग्रीष्माविकाश में भारत के पर्वतीय स्थल के भ्रमण हेतु आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। ये बहुत बार पूछा जाता है, मैंने अपने पत्र लेखन की वीडियो में स्पेशली बोला हुआ है इस लेटर के लिए कि यह लेटर 9th-10th में अक्सर पूछा जाता है, और वही लेटर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में, मेरी पत्र लेखन की वीडियो में यह वाला लेटर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आपके पिताजी का आगरा से दिल्ली स्थानांतरण हो गया है, आप डीपीएस गुलाबी बाग दिल्ली के प्रधानाचार्य को रत्नाकर की ओर से प्रार्थना पत्र लिखे जिनमें 9th में प्रवेश लेने की प्रार्थना की गई हो, तो आपको पत्र लेखन की जो मेरी वीडियो है उसमें आपको ये पत्र मिल जाएंगे, और आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 9th क्लास की प्लेलिस्ट का लिंक दूंगी, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, 9th क्लास की सारी वीडियोस ऑर्डर में आपके पास ओपन हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 25, स्वच्छता अभियान पर माँ बेटी के बीच में संवाद को लिखिए, ये मेरी संवाद लेखन की वीडियो में आपको मिल जाएगा। रेलवे टिकट विक्रेता और यात्री के मध्य संवाद को लिखिए, ये भी मेरी आपको संवाद लेखन की वीडियो में मिल जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक नदी का दुख विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा आपको बनानी है, बना के मैंने आपको दे दी है नीचे, जैसी करनी वैसी भरनी विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। नीचे बच्चों आपको सोल्यूशन दे दिया गया है, खंड क का, खंड ख का, खंड ग का और खंड घ का, यानी कि आपका लेखन क्वेश्चन, उसका भी मैंने आपको नीचे दे दिया है। आपसे हमने कृतिका बुक में से 3 क्वेश्चन पूछे थे बच्चों, ध्यान रखिएगा उन 3 क्वेश्चन के आंसर मैंने नीचे वैसे तो लिख दिए हैं, लेकिन आप भी ध्यान रखिएगा कि आपका आंसर कृतिका बुक में जो आपको दे रहे हो उसका आंसर कम से कम इतना तो हो, एक लाइन या दो लाइन में आंसर अपना खत्म करके मत आ जाइएगा। सारी चीजें आपको विद सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड करवा दी है, आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर हिंदी का पेपर अच्छे से सॉल्व करके आइएगा, और सबसे बड़ी बात स्पेलिंग मिस्टेक कम कीजिएगा,
फिर भी आपको कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 9th का सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन मैंने अपने वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। ध्यान से पढ़िए, समझिए और अपनी रिवीजन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू स्टूडेंट्स फॉर योर 9th क्लास फाइनल एग्जाम पेपर। जल्दी मिलती है आपको एक नई वीडियो के साथ।